घने जंगल का राजा शेर बड़ा ही घमंडी था। वो जिसे भी देखता उसी का शिकार कर लेता। यहाँ तक कि वो तालाब पर पानी पीने जाता तो वहाँ पर तैरते हुए कछुओं को भी पकड़ लेता। उन्हें अपने कवच में घुसता देख घमंड से कहता, तू क्या समझता है, तू अपने कवच में घुस जाएगा तो मेरे पंजे से बच जाएगा, तुझे ऊपर से नहीं नीचे से फाड़ कर खाऊंगा। और उसने ऐसे कई कछुओं को अपना शिकार बना लिया था। इस बात से सारे कछुए परेशान थे। उसे तालाब पर पानी पीने आता देखकर डर जाते थे। आखिर एक दिन सभी ने इस समस्या का समाधान निकालने के लिए मीटिंग की। अरे भाई, मैं खुद कल शेर के पंजे में आता आता बचा हूँ, तभी तो तुमने आज ये मीटिंग रखी है। कैसे भी हमें इस समस्या से छुटकारा पाना होगा। ये तो हम सभी सोच रहे हैं, पर कैसे छुटकारा पाए बस यही नहीं सोच पा रहे हैं। ये तो शेर राज से बात करने के बाद ही छुटकारा पाया जा सकता है। पर शेर से बात करेगा कौन, वो सुनने से पहले हमें चखने का मूड बना लिया तो बात करने से पहले ही हमारी बात खत्म। देखो, एक दिन तो मरना ही है, फिर अगर शेर के हाथों मर गए तो शेर के हाथों ही सही। पर अपने कछुए समाज को बचाने के लिए मैं शेर से बात जरूर करूंगा। और दूसरे दिन तालाब पर पानी पीने आया शेर उसकी बात सुनते ही भड़क जाता है। क्या बात करोगे हाँ, क्या बात करोगे, मुझे समझाओगे, मुझे किसका शिकार करना है किसका नहीं, मुझे शेर राज को। पूरे जंगल पर राज चलता है मेरा, मुझसे आंख मिलाने की हिम्मत नहीं है किसी में, तुम मुझसे जबान लड़ाने आए हो। नहीं नहीं शेरराज, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि आपके डर से हम कछुए के बच्चे ठीक से तैरना नहीं सीख पा रहे हैं। आपको आता देखते ही वो भागकर तालाब में छिप जाते हैं। जो कमजोर होता है वो तो छिपता ही है ना। मुझे देखो, मैं कभी किसी को देखकर नहीं छुपता, आखिर जंगल का राजा हूँ मैं। माफ करना शेरराज, अगर आप जमीन के राजा हैं तो हम भी पानी के राजा हैं, तू और राजा। अरे राजा वो होता है जो जीतता है। बुरा मत मानना शेरराज जी, मगर आज तक आप जमीन के जानवर, हम पानी के जानवरों से कहाँ जीते हो। तुम्हारे जमीन पर तेज दौड़ने वाले खरगोश को रेस में हरा दिया था। खामोश खामोश, खरगोश के पूर्वज बेवकूफ थे जो रास्ते में सो गए थे। ऐसे बेवकूफ से जीतकर तुम क्या समझते हो, तुम हमसे भी जीत जाओगे, शेर से, वो भी रेस में। अगर इतना घमंड है तो मुझे हरा कर दिखाओ। नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही जीत की बात पर कह रहा था। कहो मत, करो, चलो तुम पानी में दौड़ो, मैं जमीन पर दौड़ता हूँ। अगर हार गया तो मैं तुम्हारी बात मानूंगा, और जीत गया तो रोज एक कछुआ तुम मुझे खिलाओगे। हाँ? क्यों, शर्त सुनते ही तुम्हारे पूर्वजों की जीत मिट्टी में मिल गई? ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। ठीक है तो हो जाए कल रेस, इस किनारे से नदी के उस किनारे तक जहाँ जंगल और नदी खत्म होती है। कछुए की मुंह से रेस और शर्त की बातें सुनकर बाकी कछुए टेंशन में आ जाते हैं। अबे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या, शेर से कौन जीत सकता है, वो भी रेस में, तूने ये शर्त मानी क्यों? हाँ, और तेरे कहने पर कौन कछुआ अपने आप को शेर के हवाले करेगा कि ले भाई अपनी शर्त के मुताबिक खा ले मुझे। वो तुम लोग जाने दो, क्योंकि शर्त हारते ही सबसे पहले मैं ही शेर करने वाला बनूंगा। बाद में तुम लोग मुकर जाना कि हमें तो उसने कुछ कहा ही नहीं था, पर एक बार रेस की कोशिश तो करें। अरे जब पता ही है कि हार जाएंगे तो कोशिश क्यों करें। अरे यार, बिना एग्जाम दिए ही रिजल्ट निकाल लेना कहाँ की समझदारी है। पर एग्जाम देंगे कैसे, रेस में भला शेर से कौन जीत सकता है। यही बात तो हमारे पूर्वजों ने खरगोश के बारे में भी कहा था, कौन जीत सकता है, पर जीत तो हो ही गई ना। अरे वो तो कछुआ सो गया था इसीलिए। तो शेर से भी कह देंगे भाई, थोड़ा कमर्शियल ब्रेक ले लो, सो जाओ। शट अप, चुप करो। तो फिर कैसे कोशिश करें।
एक आइडिया है। हम सभी कछुए पानी से सिर्फ अपना सर बाहर निकालते हैं तो एक जैसा ही लगता है। पहचान में नहीं आता है कि पानी में से सिर निकालने वाला कछुआ मैं हूँ, तुम हो, ये है या कोई और। क्या मतलब? मेरा मतलब ध्यान से सुनो। शेर हमारी नदी के किनारे से दौड़ेगा, हम थोड़ी थोड़ी दूर के अंतर में नदी में छिप जाएंगे। जैसे ही शेर एक जगह से टन लेगा, वहाँ छिपा कछुआ अपना सिर निकालेगा। शेर देखते ही टेंशन में आ जाएगा कि मैं पानी में दौड़ता हुआ उसके साथ ही चल रहा हूँ। वो और भी तेज दौड़ेगा। कुछ आगे जाकर तुम छुपे रहना और अपना सिर बाहर निकालना। शेर समझेगा वो मैं हूँ, मैं उसके साथ ही दौड़ रहा हूँ। देख कर वो और भी टेंशन में आ जाएगा और दौड़ता हुआ वो फिनिशिंग लाइन पर पहुंचेगा, तो वहां मैं पहले से ही खड़ा रहूंगा। वो मुझे वहां खड़ा देखकर सोचेगा मैं रेस जीत गया। वो हार जाएगा और हम उसके सामने अपनी शर्त रख देंगे कि आज के बाद वो किसी भी कछुए को अपना शिकार नहीं बनाएगा। और दूसरे दिन शेर और कछुआ नदी किनारे रेस के लिए तैयार हैं। खरगोश नदी किनारे सीटी लिए खड़ा रेस स्टार्ट करने का इशारा देने को तैयार शेर से कहता है। शेर राज, हमारे पूर्वजों ने कछुए रेस में हमारे दौड़ की जो मिट्टी पलीद की थी उसकी इज्जत बचा लेना। कुछ भी हो जाए सोना मत। अरे डोंट वरी खरगोश भाई, ये पिद्दी से कछुए रेस में मेरे सामने कौन टिकेगा। ओके सो कछुए भाई, चलो रेस शुरू करते हैं। रेडी स्टेडी गो। मुझसे दौड़ में जीतने चले हैं, अभी तो उसे आने में वक्त लगेगा, पर मैं खरगोश की तरह सोऊंगा नहीं, दौड़ता रहूंगा जब तक फिनिश लाइन तक ना पहुंच जाऊं। अरे ये तो यहाँ तक भी पहुंच गया। मैंने अपने आप से बात करने में थोड़ा टाइम वेस्ट कर दिया था, अब नहीं वेस्ट करूंगा। अब तो कछुआ पक्का दूर रह गया होगा। अरे इतनी जल्दी ये यहाँ भी पहुंच गया। अरे मेरे साथ साथ ये भी यहाँ तक पहुंच गया। इस टुच्चे से कछुए की स्पीड मेरे जैसी कैसे हो गई? लगता है लोग सच कहते हैं, पानी में पानी के जानवरों के चलने की स्पीड काफी ज्यादा होती है। खैर फिनिशिंग लाइन ज्यादा दूर नहीं है, बस 12 छलांग में पहुंच जाऊंगा। ऐसा कैसे हो सकता है, तुम मुझसे पहले यहाँ कैसे पहुंच गए? मेरे पूर्वज ने खरगोश से जमीन में रेस लगाई थी, इसीलिए धीरे धीरे चल रहे थे, पर मैं तो पानी में था और पानी में हमारे दौड़ने की स्पीड बढ़ जाती है, तो मैं शर्त जीत गया हूँ। विश्वास नहीं होता है, फिर भी विश्वास करना पड़ रहा है कि तुम जीत गए। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? यही कि आज के बाद आप शेर लोग नदी या तालाब में पानी पीने आना तो हम कछुओं को अपना शिकार मत बनाना। आप अपनी जमीन पर जिंदा खुश रहो, हमें हमारी तालाब नदी और उनके किनारों की जमीनों पर जिंदा रहने दो। ठीक है, मैं वादा करता हूँ, आज के बाद मैं क्या, कोई भी शेर तुम कछुओं को परेशान नहीं करेगा। पर मेरी भी एक शर्त है, इस रेस का जिक्र किसी और जानवर से मत करना। ओके डन। इस तरह दोनों एक दूसरे की बात मानते हैं। शेर वहाँ से विदा लेता है। हम जीत गए। हाँ, अगर तुम लोगों ने थोड़ी थोड़ी दूरी पर नदी में छिपकर बार बार अपना सिर बाहर ना निकाला होता तो शेर को यकीन ही नहीं होता कि मैं रेस जीत गया हूँ। थैंक यू तुम सबका। थैंक यू हम सबका नहीं, आपका। आपके होशियार दिमाग ने न सिर्फ हमें रेस जिताया बाकी हमारे सभी साथियों की जिंदगी भी बचाई। हरिपुर गांव का सोनू जवान हो चुका था, फिर भी वो कोई काम नहीं करता था। माँ बाप बूढ़े हो चुके थे, जैसे तैसे दो वक्त की रोटी जुगाड़ करते और सोनू खा पी कर मस्त हो जाता। बेटा, तुम हमारे इकलौते बेटे हो, जब तक मुझ बुढ़े बाप के हाथ पैर चल रहे हैं
तुम्हारी दो वक्त की रोटी का जुगाड़ करता रहूंगा, पर उसके बाद क्या? कहीं नौकरी ढूंढ लो बेटा। रोज तो नौकरी ढूंढने जाता हूँ, अभी भी तो जा रहा हूँ। अब मिलती नहीं तो मैं क्या करूँ? गांव के बाकी लड़कों को तो मिल गई है, तुम ही को क्यों नहीं मिली? आप कहना क्या चाहते हैं, मैं नौकरी ढूंढने नहीं जाता? अरे अरे बेटा, ऐसा कब कहा तुम्हारे बापू ने? मतलब तो उनका वही था। वो तो परेशान है तो ऐसे ही मुंह से निकल गया होगा। आप भी ना ऐसे ही दूसरों का नाम लेकर बेटे को ताना मारोगे और टेंशन में कहीं नौकरी ढूंढते हुए इसका एक्सीडेंट वैक्सीडेंट हो गया तो? हमारा एक ही बेटा है। माफ करना बेटा, गलती हो गई। इकलौते बेटे हो इसीलिए परेशान हो, हमारे बाद तुम्हारा कौन होगा? माँ बाप को उल्टा सीधा कहकर नौकरी ढूंढने के बहाने सोनू गांव के जंगल में बहती नदी के किनारे जाकर बैठ जाता। उसे वहाँ पानी पीने आते छोटे मोटे जानवरों को पत्थर मारने का अजीब सा शौक था। ये मेरे माँ बाप भी ना एक नंबर के बेवकूफ हैं। ऐसे तो हर बात में कहते हैं। हमारे बुजुर्ग कह गए हैं ये करो वो करो, और जब काम करने की बारी आती है तो बुजुर्गों का नहीं सुनते। यहाँ भी तो बुजुर्ग कह गए हैं, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मल्लुका कह गए सबके दाता राम। जब राम दे खाने तो क्यों जाए कमाने? उन्हें क्या पता, नदी किनारे ठंडी ठंडी हवा में बैठकर जानवर पंछियों को पत्थर से निशाना बनाने में कितना मजा आता है। पर आज कोई जानवर और ना ही पंछी अभी तक नदी किनारे पानी पीने के लिए आया। मेरे इन पत्थरों को चुनने की मेहनत का क्या होगा? हाँ? आ गई आ गई, अभी मजा चखाता हूँ इसे। कैसे नाटक करके पड़ी है, अभी भागेगी। वाह क्या निशाना है। क्या हुआ गिलहरी बहन, आज तैरने आई हो क्या? नहीं नहीं, मैं तो पानी पीने आई थी, पर उसी इंसान ने मुझे पत्थर मारकर नदी में गिरा दिया। इंसान नहीं, राक्षस कहो उसे। आज वो फिर आया है क्या? आज? अरे वो तो रोज ही आता है। सिर और कमर पर दो दो पत्थर मारे, बहुत दुख रहा है। अरे तुम्हें तो खून भी निकल रहा है, आओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें किनारे छोड़ देता हूँ। वाह कछुए की पीठ पर सवारी कर रही है, अभी मजा चखाता हूँ इसे सवारी का। बेचारी गिलहरी ने जाने के लिए ऑटो किया था और उसका ऑटो ही पलट गया। माफ करना गिलहरी बहन, मेरे पैर में बहुत जोर की चोट लग गई है, शायद मैं तुम्हें किनारे पर ना ले जा पाऊं। आह आह। कोई बात नहीं, मैं जैसे तैसे चली जाऊंगी, इसकी तो रोज की आदत है हम जैसे मासूम पशु पक्षियों पर जुल्म करने की। पर इसका कोई इलाज करना पड़ेगा गिलहरी बहन, वरना किसी दिन बड़ा पत्थर मार दिया तो हमारी जान ही चली जाएगी। हाँ, पर हम छोटी जानवर इस इंसान का क्या बिगाड़ सकते हैं? वैसे भी इंसान के दिमाग से कौन टक्कर ले सकता है? हम नागराज के पास चलते हैं, हो सकता है वो इस मुसीबत से छुटकारे का कोई रास्ता बताए। और दोनों जाकर नागराज को सारी बातें बताते हैं। नागराज कहते हैं, इंसान को तकलीफ ना हो, मुझसे उन्हें डर ना लगे, इसीलिए तो मैं उनसे इतनी दूर रहता हूँ। पर इंसान ही हम जानवरों के इलाके में आकर हमें तकलीफ देंगे तो हम सहन करेंगे नागराज? तुम्हारी बात सही है कछुआ महाराज, हमें ऐसे इंसानों को सबक सिखाना ही चाहिए। एक काम करो, कल फिर तुम दोनों नदी किनारे मिलना, अगर उसने तुम पर वार किया तो मैं उसे देख लूंगा। और हमेशा की तरह दूसरे दिन फिर सोनू आकर नदी किनारे बैठ जाता है।
तभी लंगड़ाती हुई गिलहरी पानी पीने आती है। अरे ये तो कल वाली ही गिलहरी है, ये तो अभी सिर्फ लंगड़ा ही रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये डांस कर रही है। अभी इसे नागिन डांस करवाता हूँ। एक ही पत्थर में जमीन पर रेंगने लगेगी, नागिन डांस। हट हट, भाग यहाँ से, भाग, हट। अरे अरे, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, इतनी सारी चोटें कैसे आईं? वो माँ, नौकरी ढूंढने जा रहा था, नहीं मिली, दूसरी जगह जा रहा था, टेंशन में देख नहीं पाया तो एक ट्रक ने मुझे टक्कर मार दी। देखा जी, आपसे कितनी बार कहा है, बेटे को जाते हुए टोका मत करो, वो नौकरी ढूंढ लेगा, पर देखा, आपके बड़बड़ की टेंशन में हो गया ना एक्सीडेंट, मैंने पहले ही कहा था। माफ करना बेटा, मैं तो यूं ही, तुम एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ लो इसीलिए। अरे पर जब बेटा ही नहीं रहेगा तो हम नौकरी का क्या करेंगे, अब देख क्या रहे हो, हल्दी लाओ जल्दी, लगा दूं मेरे बेटे को। माँ हल्दी का लेप लगाकर सोनू को उसके कमरे में लिटा देती है। सोनू जैसे ही आंख बंद करता है, उसे फुफकारता हुआ नागराज दिखाई देता है। वो चीखता हुआ उठ बैठता है, तभी माँ बाप भागते हुए आते हैं। क्या हुआ बेटे? कुछ नहीं माँ, आँख बंद करते ही वो ट्रक दिखाई देता है। देखा, कितना डर गया है मेरा बेटा, सो जा बेटा, सो जा। तुम क्या समझते हो, मैं तुम्हें काट नहीं सकता था? तुम नागराज से तेज नहीं भाग सकते हो। नहीं, मैंने तुम्हें भागने का मौका दिया ताकि तुम सुधर जाओ, पर तुम तो अभी भी नहीं सुधरे। माँ बाप से झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है, और वो पाप तुम तो करते ही जा रहे हो। बेजुबान जानवर पंछियों को मारना बहुत बड़ा गुनाह है, और वो भी तुम बिना वजह करते हो। लगता है तुम्हें माफ करना मेरी गलती है। नहीं 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 नागराज, मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, आप ही बताओ मैं क्या करूं। अपने माँ बाप के सामने अपना झूठ कबूल करो, और पूरे दिन नदी पर बेजुबान जानवरों को मारने के बदले जाकर कुछ काम करो। अपने बूढ़े माँ बाप के कर्ज उतारो जो उन्होंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करके तुम्हारे ऊपर चढ़ाया है, वरना तुम्हारी ये तकलीफ कभी दूर नहीं होगी। सोनू की आंखें खुल जाती है, वो अपने माँ बाप को सच्चाई बताकर माफी मांगता हुआ न सिर्फ नौकरी पर लग जाता है, बल्कि अब वो नदी किनारे जाकर जानवर और पंछियों को दाना भी डालना शुरू कर देता है। धीरे धीरे नागराज की नसीहत से उसकी जिंदगी सुधरती जाती है, वो अपने माँ बाप के साथ सुखी जिंदगी बिताने लगता है। माँ बापू, आज एक बात मेरी समझ में आ गई है, दूसरों को तकलीफ देने से पहले अगर इंसान वो तकलीफ पहले खुद ही झेल ले तो कभी भी वो दूसरों को तकलीफ नहीं देगा, और दुनिया में प्यार हमेशा ऐसे ही बना रहेगा।